जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंच जाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो बच्चों का जो यूजी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है सीसीएस यूनिवर्सिटी में, तो उसमें बच्चे कह रहे हैं कि अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो साथियों, अब रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो गए हैं पूरी तरीके से, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड, यानी किसी तीनों में से किसी भी बोर्ड से आपने अपना ट्वेल्थ किया है तो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आपने 2021 में भी अपना ट्वेल्थ किया है तो उन सभी बच्चों के लिए कल से पोर्टल प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो गया है, यानी कि उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। यदि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो उनके रिजल्ट में किसी भी तरीके से, लेकिन अब यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। दूसरा है जिन बच्चों के एग्जाम हुए थे, यानी कि जो बच्चे आपका फाइनल ईयर के थे या सेकेंड ईयर के थे या जो फाइनल सेमेस्टर के थे, तो वो अपने रिजल्ट को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उनको आगे पीजी में एडमिशन लेना है या आपको बीएड में एडमिशन लेना है या जॉब करनी है, तो वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो साथियों, उनका जो रिजल्ट है बहुत जल्द डिक्लेयर किया जाएगा। 15 से 20 सितंबर तक हो सकता है सभी कोर्सेज का, लगभग सभी कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि जो कॉपियां हैं लगभग 70% कॉपियां चेक हो चुकी हैं। तो जो आपका रिजल्ट है, हो सकता है 15 सितंबर तक आपका लगभग सभी कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इससे आगे बात करें आज की अपडेट की, तो आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो हमारा एमएड का और हमारा एलएलएम का एंट्रेंस एग्जाम होना है उसके एडमिट कार्ड आज से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि एलएलएम और एमएड जो हमारा 2021 से 23 के लिए एडमिशन होने हैं, तो उसका एंट्रेंस एग्जाम 12 सितंबर को होना है। उसके लिए आप एडमिट कार्ड आज से सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात करें, कुछ बच्चे पीजी के रजिस्ट्रेशन के लिए बात कर रहे हैं, सर पीजी का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो साथियों, पीजी के जो रजिस्ट्रेशन है हो सकता है 15 सितंबर के आसपास से आपके स्टार्ट करा दिए जाएंगे। 15 सितंबर से आपके पीजी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एलएलबी 3 ईयर के लिए, कि एलएलबी 3 ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन कब से ओपन होंगे, तो एलएलबी 3 ईयर के लिए भी 15 से 20 सितंबर के आसपास से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कराए जाएंगे। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।